इस स्टूडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं TCNS क्लोथिंग लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। स्टॉक के करंट प्राइस की बात करेंगे तो 507.50 की करंट प्राइस चल रही है और फ्राइडे के दिन लगभग 0.62% जो है ऊपर के लेवल पे हमें क्लोजिंग भी देखने को मिल चुकी है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो लो परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, वैल्यूएशन इसका हाई है, ग्रोथ जो है लो देखने को मिल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंट्री पॉइंट की बात करेंगे तो स्टॉक ओवर प्राइसड है लेकिन ओवरबॉट जोन में नहीं है, तो आप यहाँ से फ्रेश एंट्री का प्लान कर सकते हो। और सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, नो रेड फ्लैग शो कर रहा है। जब भी आप कोई भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या फिर स्विंग ट्रेड के लिए एंट्री का प्लान करते हैं तो नो रेड फ्लैग देख के ही उसमें एंट्री का प्लान करना है। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं इसका लास्ट फोर ईयर का फाइनेंशियल ट्रेंड। 2019 से 2022 तक का लास्ट फोर ईयर का डेटा हमारे सामने शो कर रहा है। कंपनी की ग्रोथ की बात करेंगे तो अगर आप यहां पर देखेंगे 19 और 20 में हमें इसमें अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही थी, लेकिन 21 में जो है हमें इसमें काफी अच्छी गिरावट देखने को मिल चुकी है और 2022 में जो है अगेन रेवेन्यू और प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। इसके चलते जल्दी स्टॉक में अगेन बहुत ही अच्छे ऊपर के लेवल्स हमें अच्छी होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चेक कर लेते हैं इसका फोरकास्ट, एनालिस्ट हमें क्या सलाह देते हैं बाइंग की। 10 एनालिस्ट जो है हमें यहाँ पे 50% बाइंग की सलाह दे रहे हैं जो कि ठीक ठाक सलाह हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। अबाउ 60% ये सलाह होती तो हम उसको काफ़ी अच्छी सलाह कंसीडर कर सकते थे। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पे। ये जो आप चार्ट देख रहे हो हमने इसको वन डे टाइम फ्रेम में सेट कर लिया है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करेंगे तो 500 से लेके 510 ये वाला जो जोन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि स्टॉक जो है एग्जैक्टली जून मंथ में जो है जून 2022 में यहीं से सपोर्ट लेके हमें ऊपर की ओर बाउंस करता हुआ दिखाई दे चुका था। ऑलमोस्ट यहाँ से देखिए हमें 730 के लेवल्स भी यहाँ पे अच्छी होते हुए दिखाई दे चुके थे। अगर से अब यहाँ पे हम देखेंगे तो स्टॉक जो है एग्जैक्टली इसी लेवल पे आके अगेन ऊपर की ओर हमें बाउंस करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो चांसेस ज्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये अपने आप में हिस्ट्री फिर से रिपीट हो जाएगी। अभी देखिए अगर से आप इसमें फ्रेश एंट्री का प्लान करना चाहते हैं तो इसके नीचे का छोटा सा स्टॉप लॉस रख के फ्रेश एंट्री का प्लान कर सकते हैं। इसके चलते स्टॉक में जो है फर्दर हमें तेजी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। एमएसडी इंडिकेटर की भी बात करेंगे तो यहां पर हमें एक बुलिश क्रॉस ओवर होता हुआ दिखाई दे चुका है और जीरो लाइन के ऊपर ग्रीन बार्स भी जो है बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि अगेन मजबूती का सिग्नल देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अभी तक आपने एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस लिंक का यूज करके आप फ्री में डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं एंजल वन ऐप में। दोस्तों हम आ चुके हैं एंजल वन ऐप में। सिंपली यहाँ से वॉच लिस्ट में आ जाएंगे। वॉच लिस्ट में आने के बाद सर्च बॉक्स में स्टॉक का नाम हमें सर्च करना है। स्टॉक का नाम हमें सर्च करने के बाद जो है स्टॉक हमें सामने दिखाई देगा, उस पर हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद ये हमारे वॉच लिस्ट में सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। अगेन हम इस पर टैप करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पर आप इसकी करंट प्राइस देख सकते हो, ऑप्शन चेन देख सकते हो, मोबाइल स्क्रीन में चार्ट भी देख सकते हो, स्टॉक की डिटेल्स भी आप यहीं से देख सकते हो। हम सिंपली बाय पे टच करेंगे। बाय पे टच करने के बाद यहाँ पर हमें क्वांटिटी एंटर करना है। मान लीजिए हमें यहाँ पर 20 क्वांटिटी बाय करना है तो हम यहाँ पे 20 क्वांटिटी एंटर करेंगे। लिमिट और मार्केट का ऑप्शन दिया है। लिमिट यानी कि आप अपने मनपसंद प्राइस पे स्टॉक को खरीद सकते हो। मान लीजिए 507 इसकी करंट प्राइस चल रही है अभी, आप इसको चाहते हो कि इसको 500 पे बाय करना, तो आप इसमें यहाँ पे लिमिट में 500 एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जब भी स्टॉक की प्राइस वहाँ पर आ जाएगी आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा और मार्केट रेट जो होता है जो भी करंट प्राइस चल रही होती है स्टॉक की उसी पर आपका डायरेक्टली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। प्रोटोटाइप में जो है डिलीवरी और इंट्राडे का ऑप्शन है। डिलीवरी यानी कि स्टॉक को अगर आप ओवरनाइट के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आप डिलीवरी में बाय करेंगे। अगर आप स्टॉक को सेम डे सेल करना चाहते हैं तो इंट्राडे में उसको बाय करेंगे। यहाँ पे नीचे के साइड में बाय का ऑप्शन दिया है। बाय पे टच करने के बाद कन्फर्म बाय आएगा। कन्फर्म बाय पर हम टच करने के बाद हमारा ऑर्डर जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और ये जो वीडियो बनाई है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई है। जब भी आप कोई भी स्टॉक में एंट्री बनाए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही उसमें एंट्री बनाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी YouTube चैनल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।